ओह, यानी शादी से पहले संयम और शादी के बाद अपने जीवन साथी के प्रति वफादारी। संयम, नियम और कॉन्डम के इस्तेमाल से एड्स जैसी बीमारी आपके आसपास भी नहीं भटक सकती। हाँ जी जी, यहाँ लगी तस्वीरों पर भी तो यही लिखा है ना। ये आया 4। क्या हो रहा है ये सब? बंद करो ये तमाशा, बंद करो ये नंगा नाच। और ये जुए का अड्डा बना रखा है? जुए का अड्डा नहीं मंगत बाबू, यहाँ HIV एड्स के बारे में जानकारी दी जा रही है। HIV एड्स समझते हो ना? ए मास्टर, मुझसे मत उलझ। ये अपनी जानकारी मानकारी की धौंस अपने पास रख। ये देखो, गांव की सभ्यता को चौपट करके रख दिया है। और नहीं तो क्या, देखो इस तस्वीर को, तो ये शिक्षा दे रहे हो बच्चों को, हैं? मास्टर, तुमसे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। हे 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 हे, ये एक खेल है, जस्ट अ गेम। इसके जरिए हम लोगों को HIV एड्स के बारे में जानकारी देते हैं। मुझे तो लगता है कि आप लोगों को भी खेलना चाहिए। अबे ओ शहरी सिकंदर, अपनी ये गिटबिट शहर में जाकर सुनाओ। ये राजपुरा है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा, समझे? क्या हो रहा है यहाँ? अच्छा भाई, इंस्पेक्टर साहब आप आ गए, लगाओ इन सबको हथकड़ियाँ। देखो, दिन दहाड़े अस्थिरता फैला रखी इन लोगों ने। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा इंस्पेक्टर साहब, ये पोस्टर्स HIV एड्स की जानकारी देते हैं और ये खेल लोगों में इस जानकारी को आसानी से समझने के लिए बनाया गया है। चाहे तो आप खुद देख लीजिए। आप तो पढ़े लिखे हैं मंगत बाबू, पोस्टरों को गौर से देखिए और इस खेल को भी। अच्छी चीज बनाई है इन लोगों ने, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे इस कार्यक्रम की जानकारी हमें पहले से थी। इन लोगों ने पुलिस से इजाजत ली थी। अच्छा, नमस्कार। सिखाऊंगा एक दिन। तुझे और स्पेक्टर को सिखाऊंगा। चल रहा है? कल मुझसे बहुत बड़ी गलती होते होते बची। मैं तुमसे बड़ा हूं और शायद दुनिया भी तुमसे ज्यादा देखी है, लेकिन फिर भी मैं ऐसी गलती करने जा रहा था। पर कुछ हद तक गलती मेरी भी थी। जवान लोगों के बीच का रिश्ता बड़ा ही नाजुक होता है, कभी भी हदें पार हो सकती हैं, पर शादी से पहले किसी भी तरह का संबंध, शारीरिक संबंध, ये गलत है। पर ये सब जानते हुए समझते हुए भी मैं इतनी बड़ी गलती करने जा रहा था। पर मैं भी तो नहीं। बबली, तुमने तो पहले ही फैसला कर लिया है कि शादी करोगी तो 18 के बाद। अभी तो तुम्हें पढ़ना है, समझदार बनना है। मैं कद्र करता हूं तुम्हारे इस फैसले की, लेकिन ना जाने कल मैं कैसे नासमझी की बात करने जा रहा था। मुझे माफ कर दो बबली। नहीं,
तुम ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ बबली, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी? कितनी गोलियां खिलाएगी, पहले ही गोलियों का जख्म नहीं भरा है। हुजूर, आपसे एक औरत मिलने आई है। औरत कौन है? बुलाओ। अरे ये तो मर गई थी ना, फिर दोबारा जिंदा कैसे हो गई? हम ही ने तो मारा था ना इसे, कहीं ये कोई भूत तो नहीं? यही सोच रहे हैं ना आप लोग? अफसोस कि मैं जिंदा भी हूँ और बहुत मजे में भी। तो यहाँ क्या करने आई हो? कुछ खास नहीं, बस तुम लोगों की गलत फहमी दूर करने के लिए। बड़े साहब, अब आप बूढ़े हो चले हैं। ज़बान को लगाम रख औरत, नहीं तो यहीं खड़े खड़े खींच लूंगा। ओह मंगत बाबू, ऊंची आवाज और बढ़ चढ़ कर बोलने की आदत गई नहीं आपकी? तुम्हारे रहते बड़े साहब पर गोली चल गई फिर भी इतनी अकड़? बाबा इस आदमी का कुछ करिए, वरना यही एक दिन आपकी जान, आई मीन कहीं इसी की वजह से आपकी जान ना चली जाए। जुबान मंगत, बोलने दो बेचारी को, बोलो। ओ अभी मन्यू गुनाह की दुनिया का एक खतरनाक खिलाड़ी, बड़े साहब का नया अंगरक्षक, क्या कहेंगे इसे, तरक्की या फिर कितनी अजीब बात है ना मंगत बाबू, आपकी बरसों की कमाई तो ये कल का छोकरा खा गया। तो आजकल क्या करते हैं आप? बड़े साहब के बगल की कुर्सी पर तो ये बैठ गया है, तुम्हें तो अस्तबल में जगह मिल ही गई होगी। तुम्हारा भाषण खत्म हो गया हो तो बाहर का रास्ता मालूम ही होगा तुम्हें। ऑफ कोर्स डार्लिंग, मालूम क्यों नहीं होगा, मैं यहाँ पर रही हूँ, माँ जी के हाथ का खाना आई मीन खीर भी खाई है। क्यों माँ जी, कभी आइए ना, साथ में बैठकर दो चार पुरानी बातें ही कर लेंगे। और हाँ, मेरे पीछे जासूस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यही हूं इसी राजपुरा में माया के पास। और वजह पता नहीं कि आपके अपाहिज बेटे ने आपको क्या कुछ बताया है, उससे मेरा करोड़ों का हिसाब किताब निकलता है। मेरी मौत की कोशिश कैसे हुई, किसने की, और ये आपका नया सिपाही भी, बहुत पुराना आंकड़ा है हमारा, है ना अभी? अगर आप कभी तुझे या तेरी लुगाई को इन बैंजियों से गिटपिट करते देख लिया ना। मधु को काफी लोगों का हिसाब चुकाना है बड़े घर में अभी। उस बच्ची का चेहरा बार बार आंखों के आगे आ रहा है, एक चांदी का सिक्का, एक कड़ा। पर ये सब आप कैसे कह सकती हैं?
अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।